मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा, मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा। दो आलम के दाता को दिल दे चुका जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2।
जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, ऑसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक, करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपने अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो है आप घुन्नो लिसनर, सो घुन्नो बहुत हुआ, गुना मन बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सची में, हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। क्या करेंगे आप, सर्च करेंगे आप ZUFM 98.2 ऑन फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। तो दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक एंड फॉलो कर लीजिएगा, मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा। इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial, तो वहां पर मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर फॉलो करना है ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा ट्विटर एंड यूट्यूब, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, नहीं आपको बिल नहीं आएगा, फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा, फ्री में फॉलो हो जाएगा, नहीं आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कंजूस हो। तो अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत इजीली आप हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक ऑफ कोर्स ऑन माय पेज व्हिच इज सैयदा फरहान अली। और साथ ही साथ अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में माय ट्यूनर रेडियो ऐप, तो वहां पर भी आप हमारा शो सुन सकते हैं
जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारे रेडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। हमने सारे बहाने खत्म कर दिए, तो कितने बहाने बनाएंगे, नहीं कितने बहाने बनाएंगे, है ही नहीं कोई बहाना। सो चाहे आप शहर से बाहर हों, सुबह से बाहर हों, मुल्क से बाहर हों, क्या फर्क पड़ता है, साथ में ना आपस में बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आप पे में आना पड़ता है। आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। ठीक हो गया ना? हाँ तो भाई, आज है फ्राइडे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। ओ माय माय, मतलब इतनी जल्दी पूरा हफ्ता गुजर गया ना, पता नहीं चला। बहुत सारी बातें आज भी खबरें शबरें बताएंगे क्या चल रहा है, और साथ ही साथ आज के दो टॉपिक्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में। उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक ट्रैक, और ट्रैक मैंने लाइन अप कर लिया आज, क्या ही बात है ना, वाह 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 वाह, मतलब वाह। आज मैंने पहले से ना आपके लिए गाना ना लाइन अप कर लिया, मैंने कहा चले आज ये सुनते हैं, बड़ा टाइम हो गया इस गाने को सुने। आज वापस आते इसके बाद करते हैं आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, वो क्या कहते हैं, कहीं जाएंगे तो पछताएंगे, हम नहीं चाहते आप पछताएं, इतनी सी बात नहीं, मतलब कितनी बार समझाएंगे। स्टे ट्यून्ड। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजन, तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजन, बन जा मेरी वाइफ इमेजन, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, गाने लाउड बजाएंगे, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, कुड़िए जग घुमाएंगे इमेजन। Imagine, I imagine, we imagine, I imagine, we imagine, I imagine, we imagine, imagine, I imagine, we imagine, I imagine, we imagine, I imagine, we imagine, imagine, I imagine, we imagine, I imagine, we imagine, I imagine, we imagine. जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाज में दे तुझ पे फिदा हुआ है, मेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाज में दे तुझ पे फिदा हुआ है, ओ सोनी है ओ बल्ली है, दूर नजरों से तू ना जा, ओ गोरी है बहीरी है, पास तू मेरे आती जा, imagine how imagine we imagine how imagine we imagine how imagine we imagine imagine how imagine we imagine how imagine we imagine how imagine we imagine imagine how imagine we imagine how imagine we imagine how imagine we जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाज में दे तुझ पे फिदा हुआ है, मेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाज में दे तुझ पे फिदा हुआ है, ओ सोनी है ओ बल्ली है, दूर नजरों से तू ना जा, ओ गोरी है बहीरी है, पास तू मेरे आती जा, imagine how imagine we imagine how imagine we imagine how imagine we imagine
सा हुआ है, तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। ओ मिस्टर कूल तू ये ना भूल, तेरे सपनों की रानी मैं, हीर लैला पुराने है नहीं तेरी कहानी में। ओए मेरे दिल के स्टेशन में तू रोक दे अपने ट्रेन। इमेजिन इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन। तो रवि साहब को बता दें और साथ ही साथ बताते हैं भाई कि क्या चल रहा है, खबरें बता देते हैं। ओके जी, सो अच्छा जी, जो पहला टॉपिक है वो आपने बताना ये है कि आखिरी बार आपने क्या गलती की थी। चलो मैंने सीधा सीधा सवाल कर लिया, मैंने कोई मिसाल नहीं दी कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, आखिरी गलती क्या की थी। हो सकता है कि कल की हो या फिर आज सुबह की हो, मतलब अभी सुबह की हो। तो आखिरी गलती आपने क्या की थी हमारे साथ शेयर करेंगे आप ये, ठीक है ना। लेट्स सी के कितने लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हम भी गलतियाँ करते हैं। और इसके अलावा हर इंसान का कोई ना कोई तकिया कलाम होता है, जैसे कि मेरा है, मैं बोलती हूँ यू नो आई नो, बहुत सारे ओ माय गॉड, बहुत सारी चीजें बोलती हूँ ना। तो आपने अपने तकिया कलाम बताने हैं आज, कितने हैं, कौन कौन से। कुछ लोग कहते हैं हाँ नहीं तो, हर बात के एंड में कहते हैं हाँ नहीं तो है ना, कहते हैं ना ऐसा, तो हाँ नहीं तो ये कहते हैं। कुछ लोगों का होता है ये तकिया कलाम, कुछ लोगों का होता है मतलब यू नो। तो बताएं आपका क्या है ब्लू वर्ड या ब्लू वर्ड्स, अगर एक से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स। तो शेयर करेंगे हमारे साथ, सर्च करेंगे आप सैयद फरहाना अली ऑन फेसबुक, कॉल के लिए ऑफ कोर्स आप लोग डायल करेंगे 10 बजे के बाद, नंबर विच इज 03213660303 इज द नंबर। ओके, और भाई बीजेम कहां चला जाता है अचानक से, अरे हैं ऐसे क्यों आया भाई हमने अच्छा बीजेम हमने ओ माय माय हमने लूप पे नहीं लगाया ना तभी तो। चलें जी कोई नहीं, हम ये वाला प्ले कर देते हैं, दिस इज वही वाला, बिल्कुल जी वही वाला जो किसी को पसंद नहीं आ रहा बट हमें बड़ा पसंद आया। यार आई जस्ट लव इट, यू नो आई जस्ट लव इट। आई डोंट नो बट आई जस्ट लव इट। चलें जी यही वाला बीजीएम सुनेंगे, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा तो हम क्या करें। सुनिए नी तेरा प्यार, मेरा दिल जावे हर बार, देखा ते मेरा भी लिख दे, तेरू ही मैं मंगा दिन रात, जावे कुछ भी नहीं 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 कुछ भी नहीं, मिल जावे मैनू बस तू, मिले मैनू मेरी जिंदगी।
दिल होर कुछ भी ना चाहे सीने नु अग दूरी लावे इंज याद तेरी सतावे मनु सुतिया आण जगावे दिल होर कुछ भी ना चाहे सीने नु अग दूरी लावे इंज याद तेरी सतावे मनु सुतिया आण जगावे सोनी ने तेरा प्यार ओके चलें जी कुछ खबरें खबरें शामिल करते हैं क्या चल रहा है दुनिया में और इसके अलावा फिर आपके स्टार्स की बात करेंगे राइट ओके ओ माय माय भाई बजट आ गया है बजट आ गया भाई अरे मैंने बजट क्यों नहीं देखा नहीं अभी पेश नहीं किया नहीं मैं यही तो कहूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है नहीं बजट अभी पेश नहीं किया गया भाई कल पेश किया जाएगा ओके और क्या होता है और अच्छा जी कह रहे भाई 4000 खसारे का वफाकी बजट पेश किया जाएगा कौमी असेंबली में बिना देख तेन रह नहीं सकता कि तंज दम जादू कुड़िए दिल उत्ते चले जोर ना कोई लगे तेरे जई होर ना कोई और इसके अलावा और आप लोग सब जानते हैं जैसे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो कल इस दार फानी से कूच कर रहे हैं अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए उनकी और बस यही हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए बख्शिश फरमाए उनकी हर जगह बस वो एक ही खबर हर जगह ट्विटर हो मतलब टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो It was really sad, of course. रुकने कौम असेंबली भी थे और of course एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है तो कहते हैं कि मौत का कोई पता नहीं होता ना इंसान की कब जिंदगी खत्म हो जाए कब अगली सांस रुक जाए नहीं पता होता कुछ भी नहीं बट डिप्रेशन इज रियल नहीं कुछ भी नहीं ओके अच्छा जी सो और इसके अलावा और क्या चल रहा है भाई पेट्रोलियम का क्या चल रहा है भाई पेट्रोलियम की मसनूआत में ओके कह रहे हैं कीमतें कम हो जाएंगी लेट्स सी कि कम होती हैं कि नहीं होती हैं और जनूबी कोरिया पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देगा मुहैदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ कहते हैं वफाकी की बजट जो अब आएगा जो बजट आ रहा है ऑफकोर्स तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए भी अच्छी खबर है इजाफा होगा इनकम बढ़ेगी और पेंशन में भी इजाफा होगा लेट्स सी के क्या होता है लास्ट टाइम भी आई गेस पेंशन में इजाफा होता और जब बजट आया था लास्ट ईयर तो इस तरह का कुछ हुआ था और कराची के शहरियों पर एक और बिजली का बम गिरा दिया गया है मैंने सुना कि लाइट की टाइमिंग जरा कम हो गई है और ऐसा है क्या वाकई में ऐसा है फी यूनिट कीमत में ₹7 का इजाफा कर दिया गया ₹7.82 का सुनिए नी तेरा प्यार मेरा दिल जावे हर बार देखा तेनु रब ओके अच्छा जी चलें जी इतना तो हो चुका है और इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके स्टार्स की खबरें इससे ज्यादा मैं शामिल नहीं करना चाहूंगी और क्योंकि इतनी डिप्रेसिव खबरें तो हर जगह बस ये डिप्रेसिव खबरें नजर आ रही हैं तो आई जस्ट डोंट वांट टू नो यू मोर अबाउट इट राइट दूरी लावे एंज याद तेरी सतावे मनु सुतिया आण जगावे दिल होर कुछ भी ना चावे सीने नु अच्छा जी बात करते हैं क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आज आपको काफी तवील अरसे की नाकामियों के बाद कामयाबियों से हम किनार होने का मौका मिल सकेगा अपनी मनमानी करने से गुरेज करें और हालात के मुताबिक अपने आप को हम आहंग करने की कोशिश करें आज अपने माली अमूर में तरक्की की जानिब कदम बढ़ाने और मोहब्बत भरी जिंदगी से लुत्फंदोज होने के मौके आपको मैसर आ जाएंगे अगर आपको जिम्मेदारियों के दरमियान मौका मैसर आ सके तो अपने अहम अमूर को अपने आइडियाज के मुताबिक तकमील की मंजिल तक पहुंचाने की मनसूबाबंदी करने की जरूर कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगा कि अपने साथ काम करने वालों के साथ तआवुन करें और उनकी हमदर्दी और खुलूस का हुसूल मुमकिन बनाने की कोशिश करें देख देख तेनु दिल नहीं रजदा हर वेले फोटो सीने लाई रखदा बिना देख तेनु रह नहीं सकदा कि तंज दम जादू कुड़िए दिल उत्ते चले जोर ना कोई लगे तेरे जई होर ना कोई दिल नु है तेरी लोड़ जी होई मैं ते बन गया साधु सुनिए नी मेरा हाल तू ही किता हालो बेहाल अपना भी हुन मन ले जिंदड़ी बिताई दोवे नाल जावा कुछ भी नहीं 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 कुछ भी नहीं
ओके okay, और साथ ही साथ बात करते हैं हम पाइसेस की, पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। ओके पाइसेस वालों, तो आज अपने माली हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी सोच भी मुतहरिक हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। कई रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे कि जिनकी वजह से मुमकिन तौर पर आपको किसी कारोबारी दौरे पर भी जाना हो सकता है और हो सकता है कि आपके लिए माली फवायद का बाइस भी बन जाए वो। सो आपको अपने माली अखराजात पर काबू पाने के लिए अपनी कई किस्म की कोशिशें करना पड़ेंगी, लेकिन आपकी सोचों का असल महवर आपकी समाजी जिंदगी ही होगी। कुछ भी नहीं, नो, नो, नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। जिसको बेहतर और सुकून बनाने के लिए आपको ना सिर्फ अपनी कुदरती खूबियों और खुफिया सलाहियतों से काम लेना होगा, बल्कि मुशावरत करके अपनी अमली कोशिशों का आगाज भी करना होगा। सारा दिन की मेहनत और जस्तजू का नतीजा कामयाबी की शक्ल में ही मिल सकेगा। बात करेंगे हम एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो एरीज वालों, हाँ भाई अमर, तो आज आपके लिए सबसे बड़ी और अहम बात, आपके लिए माली हालात में बेहतरी की सूरत में सामने आएगी और इस काम में आपकी मौजूदा मुलाजमत में तरक्की, किसी किस्म का माली इनाम, बोनस या फिर गैर मुतवक्के तौर पर खानदानी विरासत का हुसूल भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में सबसे बड़ी परेशानी पैसे का बिला जरूरत इस्तेमाल और अपने आप को फजूल खर्ची से बचाना हो सकता है, इसलिए आपको नगद रकम अपने पास रखने के बजाय उसकी हालत तब्दील कर देनी चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप गोल्ड खरीद लें। खास कर तवील मुद्दती सरमायाकारी आपके लिए बेहतर और मुनाफे बख्श साबित हो सकती है, इसलिए आपको ऐसे मंसूबे आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपने मामूलात में कमी करके अपने आप को आराम जरूर दें। वैसे हमारी कौम को कहने की जरूरत नहीं, मैं 100 दफा बता चुकी हूँ ये बात, पाकिस्तानी कौम को कहने की जरूरत नहीं है, आराम करो सो जाओ। आवाम वैसे ही सो रही है। नहीं, नहीं। बात करते हैं टॉरस की, टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने कारोबारी अमूर में कामयाबियां ना मिलने से समाजी मामलात में भी बेहतरी मुमकिन ना हो सकेगी, लेकिन आप अपने तयशुदा अहदाफ और खानदानी मामलात के हल में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेबुनियाद खदशात और अंदेशों से दूर रहना होगा। ओके बात करते हैं जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी समाजी जिंदगी और पेशा वाराना मामला में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारे इम्कानात हैं, लेकिन वो इम्कानात जब भी पूरे होंगे जब आप अपनी तय करते मनसूबाबंदी पर अमल करके ही तमाम काम को निपटाएं। लेकिन याद रखें कि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, तो जबकि जो भी मौका आपको मिला उससे फायदा उठाते हुए कोशिश करें कि अपने तयशुदा अहदाफ को लाजमी हासिल कर लें। आज अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का आपको मौका जरूर मिल जाएगा, लेकिन मसरूफियात की वजह से आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से फरार नहीं हासिल करनी चाहिए और ना ही किसी किस्म की सुस्ती से काम लेना चाहिए। बात करेंगे कैंसेरियंस की, कैंसेरियंस के लिए लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने हल्का अहबाब में शामिल अफराद की फलाह बहबूद का मंसूबा तैयार करने के अलावा अपने घरेलू और समाजी मामलात को हल करने में भी कामयाबी का हुसूल आप मुमकिन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के मशवरे के मुताबिक मुतहरिक होने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी आसानी हासिल कर सकते हैं। आपकी मिजाजी कैफियत बेहतर होने की वजह से दूसरों के बारे में मजबूत सोच जन्म ले सकती है, इसके अलावा दूसरों की मुश्किलात को हल करने में उनका साथ भी आप दे सकते हैं। इसके बाद अपने बारे में पैदा होने वाली सोचों का तजिया भी कर सकेंगे ताकि अपने अमली अमूर की अंजाम दही के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात से बचाव के लिए पेश की आप बंदोबस्त कर सके। बात करेंगे आपकी, whoa.
अदनान सरफराज करेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओला मुस्तफा दर्जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच जहानिया मंडी से सुनते हैं काशान कह रहे हैं कॉस्मेटिक आइटम्स कितने महंगे हो गए ना नहीं नहीं कुछ क्यों आप खरीदने जाते हैं कि आपको कैसे पता मतलब आप अपने लिए कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदते ओ माय गॉड लिटरली और कुछ भी ना चाहे सीने नु अग दूरी लावे एंज याद तेरी ओके काजवन सारी कहते हैं कि अब हम 60s तक कोरिया जैसे मुल्क को कर्जा दिया करते थे अल्लाह पाक हमें मजीद आई डोंट नो कि क्या लिखा था और बाकी मैं कमेंट पढ़ नहीं पाई स्क्रॉल हो चुका है मुस्तफा जलाल खेल कहते हैं कि आप नजूमी हैं क्या नहीं हम नजूमी नहीं हैं डॉक्टर के इलेक्ट्रिक ने कल से ना न्यू मेडिसिन जारी कर दी है लोड शेडिंग 4 घंटे दिन में 4 बार ओह माय गॉड 4 घंटे दिन में 4 बार ना करें अंबर इस्लाम कहेंगे जी जी सुन रही हूँ एरीज जबरदस्त होकर यार बढ़ाना गलती इंसानों से ही होती है कि इसका क्या मतलब है इसका मतलब हरगिज नहीं कि दूसरे लोग उसे उसकी गलती पर सुना सुना के मार ही दे दिया जाए सबको समझना चाहिए ये बात ठीक है तो इतना सेंटी होने की क्या जरूरत है रुबीना क्या हो गया और सासत काशान कह रहे हैं कि नीले नीले अंबर पर आज काले बादल मंडला रहे हैं नदी राम सौदा कहते हैं मोहतरमा जी पंजाबी ट्रैक आप भी पंजाबी बोल लिया करें अच्छा लगेगा आती नहीं पंजाबी क्या करें पंजाबी सीखनी पड़ेगी फिर बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं बिकॉज मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं पंजाबी कैसे बोलूं भाई ओके अरे ये क्यों प्ले हो गया यहाँ से प्ले नहीं होना पर आज कह रहे अंबर वैसे आजकल टाइम पर आ रही हैं और कहीं टीचर आपने और पता नहीं क्या लिखा था अंबर कह रही है यार हा वाकई ना सेम सिचुएशन है समझ नहीं आ रहा कि कहाँ खर्च करूँ सोना भी जरूरी है मतलब कौन सा वाला सोना अंबर आप अच्छा और सस्ता मोबाइल कौन सा और कितने का है गिफ्ट करना है कोई मशवरा दे आप मुझे कुछ भी नहीं। सस्ता और अच्छा मोबाइल नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं आजकल मोबाइल कौन सा सस्ता है जो सस्ते मोबाइल होंगे बस ऐसे ही होंगे पर आज कह रहे ये सॉन्ग ना चेंज कर दे बार बार बोल रहा है ओ ओ ये कोई सॉन्ग है नहीं करेंगे चेंज नहीं करेंगे फराज चेंज हरीश कुमार बहुत शुक्रिया की हसीन बज में खुश आमदेद और बादशाह मुआफ नहीं करता जो मुआफ करता है वो बादशाह होता है क्या बात है रमजान मलिक साहब वालेकुम अस्सलाम जुल्फिकार कह रहे हैं कि सिस्टर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम काशान कह रहे हैं कि एलेक्स एंड ग्रूट का नेवर लेट यू गो सॉन्ग लगाएं अच्छा जी और साथ साथ रिजवान रिजवी कहते हैं प्लीज टर्न ऑन द वूफर्स डियर्स वूफर्स व्हाट क्या हो गया भाई अच्छा जी और साथ साथ मीर तौफीक कहते हैं कि ओ ओ ये वो क्या हो गया भाई आज सबको अच्छा जी उत्साह करेंगे अस्सलाम वालेकुम अर्जी सईद फरहाना अली जेडीयू चमन की कली वालेकुम अस्सलाम मसूद साहब क्या हाल है भाई आपको कमेंट स्क्रॉल हो गया नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिल जावे मैं वालेकुम अस्सलाम अंबर गुड मॉर्निंग बरी आई एम वेरी वेल हाउ आर यू गेरी व्हाट इज गोइंग ऑन कुछ भी ना चाहे शो इज गोइंग ऑन जुमा मुबारक आपको भी अंबर फराज करेंगे अस्सलाम वालेकुम ऑल द और रायमा दादी को सलाम देना ख्याल रखना दादी जान का उसने कहा था कि तुम खुदा के सलाम दे के जाओ और साथ साथ काशान वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया थैंक यू और साथ साथ मैं देखिए कमेंट स्क्रॉल हो जाते इसलिए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ तो इसलिए अब ये ना समझा करें कि वो मैंने नहीं पढ़े जानबूझ के राइट आप कह रहे हैं कि हाँ तो गलती दिल पर लग जाए तो ना माजरत भी करें बस गलती करें हर बार ऑफ कोर्स बिल्कुल गलती करने के बाद एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि दोबारा वो गलती ना दोहराएं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर आज कहते हैं कि अंबर आजकल कॉल पर नहीं आ रही तो फिर क्या हो गया कह रहे हैं गर्ल्स के पास बैलेंस कहाँ होता है तुम्हारे पास बड़ा होता है गर्ल्स के पास बैलेंस कहाँ होता है खुद के पास तो है नहीं बैलेंस अभी बोलोगे तो रोना शुरू हो जाएंगे बोलोगे नहीं हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिलता कॉल ही नहीं लगती टाइम नहीं है तो हम बिजी है मसरूफ है इतने कोई 100 बहाने बना देंगे अच्छा जी खाची बजारी कह रहे हैं क्या हवा अच्छा नहीं है जाते जाते ना देखें देखिए इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है ये अगर किसी पे कहना है देखिए ये तो हर बार ही होता है ना कोई नई बात नहीं है
आने वाला पिछले वालों पे कसूर डाल देता है, सारे के सारे सारे इल्जाम उन पे डाल देता है, फिर अगला कोई आएगा फिर इन पे डाल के चले जाएगा, तो यही चलता रहता है बस। काशी वाली मलिक, वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल थैंक यू, आप बताइए आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। और इसके अलावा रुबीना कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके अलावा कह रही है मुन्नी, कह रही है अभी मेरी गलती ये है कि मैंने मेरे ना मुल्तान में गर्मी से ना दाने निकल गए थे और घुटने पर और एक पाँव पर, और मैंने वहाँ ना दवाई नहीं ली और घर आके ली थी, बहुत तकलीफ हुई है, दाने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अब तक, तो चलो भाई ख्याल रखो भाई अपना लड़की, वो शायद आबो हवा की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि अब कराची की हवा जरा चेंज है और फिर वहाँ मुल्तान की जरा चेंज, गर्मी ज्यादा आई गेस वहाँ पर, दैट्स व्हाई। आप जब भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, काले कपड़ों वाली आड़जे, आज नीले है भाई, आज काले नहीं है, कल थे काले, कह रहे हाँ शेरवानी का पता, और पता नहीं क्या लिखा था, आई डोंट नो। उरुसा कह रहे हैं किसी और को अच्छा लगे ना लगे, हमें क्या, मुझे तो ना बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग है ना उरुसा, ये हाई फाइव नहीं ना और क्या भाई, हमें अच्छा लग रहा है और क्या। मीर तो अभी कह रहे हैं कि आज आपने नाश्ता नहीं किया, लगता है मैं नाश्ता करके आ रही हूँ भाई, आज का लग रहा है आपने अपने कानों में जो है ना तेल नहीं डाला मेरे भाई। ये नहीं तेरा प्यार, जुमा मुबारक डियर आरजे, जुमा मुबारक। और साथ साथ शाम आफरीती कह रही है अस्सलाम वालेकुम सबको, शाम का प्यारा सा सलाम वालेकुम अस्सलाम। अम्मा कह रही है वाला याद है आफरी आफरी वाला, आपको मैंने प्ले कर दिया था अंबर, अगर आपने सुना हो तो कल ही प्ले किया मैंने आते ही, मतलब आपने सुनने की जहमत गवारा नहीं की अंबर, नथी राम सौदा कहते हैं मोहतरमा जी आपके हवाले से आपको एंड मसूद सर को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जजाकला। और रिजवान कहते हैं कि प्लीज टर्न ऑन ओवर्स ऑफ योर प्लेइंग सिस्टम, क्या हो गया भाई यहाँ पे सब कुछ ऑन है, सब सही चल रहा है भाई, क्या हो गया एवी में, ये रिजवान पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा जी रुबीना कह रही है गलती इंसान से ही होती है फरहाना, हाँ मैंने पढ़ लिया रुबीना, क्या हो गया, क्या हो गया फिर, अब कौन सी गलती किसने क्या कह दिया। रिजवान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ अली रजा इटली से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं, ओके जी हाल चाल बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। और साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सब खैर, अभी फराज भाई ना ऐसे नहीं बोलता, शादीशुदा के लिए हस्बैंड और घर में गर्ल्स जो होती है ना उनके लिए भी ना बकरा होता है, है बैलेंस वाला बकरा अच्छा ठीक है फिर जाइए। राजीव अली मालिक कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया थैंक यू। और इसके अलावा तनवीर अहमद कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आबिजान, वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और फराज कह रहे हैं कि वो आपसे ना बहस करना ना अपना सर दीवार में मारने के एक ही बात है, हाँ तो मारो जाओ दीवार मारो अपना सर, बहस किया ही नहीं करो मेरी जिंदगी, सीधी सी बात है बहस करो ही मत। आप फिर कहते हैं कि 9000 अरब का बजट है और कसम से ये बजट ना ईमानदारी से लग जाए ना तो भला हो जाएगा इंशाल्लाह, लेट्स सी, अल्लाह करे कि भलाई वाला ही हो ये बजट जो आया। मीर तौफीक कहते हैं कि मैंने जो भी गलती करता हूँ ना मैं फिर ना भूल जाता हूँ, मैं गलती करके नहीं भूलना चाहिए बेटा। सैयद राजा शाह वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी वेल। और इसके अलावा रूबी ने कह रही है कि दुनिया वालों, और अरे दुनिया वालों की लड़की फरहाना कमेंट खा रही है, मार दी पाऊंगी फिर मार दी पाऊंगी रूबी ना देखो अरे पहले ही बोला है भाई, कमेंट यहाँ पे स्क्रॉल हो जाते हैं, यूज योर कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, ट्राई टू यूज इट। सैयद राज शाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मुबारक। काशिम अंसारी कहते हैं कि आबा आने वालों को सही तरीके से आना चाहिए, चोर दरवाजे से नहीं अच्छा ठीक है। और सरफराज क्या कहते हैं, गुड शो, थैंक यू सो मच। आप मेरे कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि मुल्तानी हलवा आया हुआ है, देखें कब नसीब होता है अच्छा मुल्तानी हलवा आया हुआ है कहाँ पर। फराज कह रहे हैं अरे अबू हवा की वजह से नहीं निकले मुन्नी ने ना मैंगो, अच्छा कह रहे हैं आबो हवा की वजह से नहीं निकले, मैंगो ज्यादा खा लिए होंगे इसलिए निकल गए, और खाओ मैंगोज, नहीं उस टाइम तो आम आए भी नहीं थे, व्हाट आई गेस।
उसे कह रही है हद यार ये ना ये मेरा तकिया कलाम है। अच्छा ये तकिया कलाम है हद यार। हाँ तो बताए ना आप लोगों का तकिया कलाम क्या है भाई, और साथ साथ ये भी बताएं कि आखिरी गलती आप लोगों ने की क्या थी। मुन्नी ने तो बता दिया। रिजवान कह रहे हैं कि हैप्पी होली फ्राइडे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ नथीराम सौदा कहते हैं हाँ जी मैंने पढ़ लिया था, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। से साथ कहते हैं उरुसा खुशी दूसरों को देकर ना हासिल किया करो। जो कह रही है वालेकुम अस्सलाम जोया, और कह रही है कि अभी आपको और सब सुनने वालों को जुम्मा मुबारक, बहुत शुक्रिया। अंबर कह रही ऑल सो सैड यस्टरडे आई वाज एब्सेंट, आई टोल्ड यू वेयर वर यू अंबर। और साथ साथ अच्छा जी वसीम मागरे कहते हैं हाय। अली रजा कहते हैं हाँ जी पढ़ लिया, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। और शहजाद कह रहे हैं कि जो भी है रुबीना इस टॉपिक को ना रहने दो, हर किसी का इस पर अपना नजरिया है। नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही शहजाद आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कुछ लोग ना सही चीजों को भी यू नो जो पॉइंट सही है उसको भी गलत ही समझते हैं, मतलब अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते वो। तो ऐसे लोग मेरा दिल चाहता है इनको कहने का यार मैं क्या कहूँ, चले जाने दे। काशी वाली मालिक बहुत शुक्रिया भाई। और कमेंट ऐसे स्क्रॉल हो रहे हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा ऐसे कमेंट, अभी तो फिर कह रहे हैं कि गलती हो जाए ना फिर बंदा ना अच्छा अच्छा खाना बनाकर पेश करे, ये या होटल पर ट्रीट दे, गलती माफ, ये क्या बात है। इनकी तो हर चीज की तान बस एक ही चीज पाकर टूटती है, वो है खाना। अच्छा जी नदी राम सदा कहते हैं मोहतरमा जी मेरे करनाल में बहुत गर्मी है, आपके यहाँ का टेम्परेचर क्या चल रहा है? नहीं गर्मी है कराची में भी, अभी पता नहीं क्या टेम्परेचर है, अभी मैंने चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं, बट ये कि गर्मी है इतनी ज्यादा नहीं है वैसे गर्मी, आज जरा मौसम ठीक है एक दो दिन से। काशी अंसारी कह रहे हैं ईमानदारी से क्या लिखा है, आई डोंट नो क्या लिखा था, कमेंट स्क्रॉल हो गया। मुन्नी कह रही कि जी नहीं मैंने मैंगो नहीं खाया, आप ही और साथ मीर टॉफी कह रहे हैं स्क्रॉल नहीं होते, आप खुद ना पतली गली से हैं शॉर्ट कर देती हूँ कमेंट, पता नहीं क्या लिखा है। तुम लोग बोंगिया मारने में तो ऐसे माहिर हो ना, ऐसे माहिर हो बोंगिया मारने में कि बस मैं क्या बताऊं। राहिल बलो जाने के शर्मीन कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम वेरी वेल थैंक यू। शहजाद कहते हैं आप ही मेरा तकिया कलाम है खतरनाक है, क्या खतरनाक है क्या खतरनाक है आखिर। अच्छा जी आखिरी गलती याद है, रोजा कह रही है याद, ऐसे कह रही याद नहीं है। तनवीर अहमद कहते हैं अभी क्या बैकग्राउंड सॉन्ग बहुत अच्छा है, पहले बहुत शुक्रिया। मुन्नी कह रही है मुझ पे इल्जाम है ये, तो कौन सा इल्जाम है शहजाद कह रहे हैं अभी सॉन्ग वाले खुशी के लिए कहा है क्लियर कर दूं। अच्छा मैंने कहा पता नहीं कौन सी बात कह रहे हो, मुझे खुद समझ नहीं आया वाकई में, अच्छा किया तुमने क्लियर कर दिया। फराज कह रहे हैं अच्छा एक बात देखी है कि ना लोगों को लोगों के जाने के बाद जोश और होश आता है, जब बंदा अकेला था जब किसी ने आवाज नहीं उठाई, भाई ये दुनिया ऐसे ही होता है, यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब तक इंसान दुनिया में होता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, मजाक बनाया जाता है, उसके इमोशन से खेला जाता है, लेकिन बाद में जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, ये हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है, ऐसा ही होता है यहाँ पर, बाद में याद आता है हमें। तेरा प्यार मेरा दिल जावे हर बार, सब कह रहे हैं कि आज किंजा का गला और मूड अच्छा हो तो ड्रामा दोबारा का ओएसटी सुनाइए और जल्दी कॉल करना अगर ये अकबर आजम का हुक्म है। अकबर आजम हो गया, अकबर आजम। अच्छा हाँ मसूद साहब को अकबर आजम का खिताब दिया, वही कौन है भाई, किसने खिताब दिया था? आप मेरे कह रहे हैं कि मैं कितना भोला इंसान हूँ, मुझे तो ना कोई टॉपिक नहीं पता, आज का बेचारे मैं बड़े बेचारे हैं आप। रजा जान और पता नहीं क्या नाम है यार, इतने मुश्किल नाम मुझसे पढ़े नहीं जाते। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रुबीना, क्या कह रही थी? काशी मजारी कह रहे हैं कि आप मैंने आखिरी गलती की थी कि गुस्से में आके अपने भांजे और भतीजे की टॉर्च तोड़ दी थी, फिर बाद में ना पैसे भी दे दी थी मैंने। गुस्से में नुकसान क्यों करते हैं, मतलब गुस्से में चीजें तोड़ने का क्या वो है? देखें गुस्से में बाद में फिर आपको अंदाजा होता है कि आपने क्या नुकसान किया है, गुस्से में कोई फायदा नहीं है चीजें तोड़ फोड़ करने का, और दिस इज वेरी इमेच्योर बिहेवियर ऑफ कोर्स। टाइम चेक आ रहा है भाई, टाइम चेक। गुरु से कह रही वैसे अभी आमिर लियाकत की मौत की आधी जिम्मेदार वो सब हैं जिन्होंने उन पर ना मीम्स बनाए, वो इतने डिप्रेस्ड हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को हर चीज मजाक लगती है, हमारा यही होता है, जरा सी कोई बात होती है ना लोग फौरन से मीम्स, इतने फारिग लोग हैं ना हमारे यहाँ।
तो कोई भी ऑफ कोर्स कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। वो याद है एक होस्ट थे जब वो PSL का शो होस्ट किया था, क्या नाम था, अहमद गौडिल, क्या नाम था, इतना लोगों ने ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो गया वो। लिटरली सोशल मीडिया हैज सच पावर। नहीं कुछ भी नहीं, तो लोगों को भाई इस मकाम तक ना पहुंचाएं, बाद में फिर उनके गुण गाने का कोई फायदा नहीं होता। इख्तलाफात अपनी जगह, इख्तलाफात रखें, जरूर रखें, इख्तलाफ राय रखना कोई बुरी बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है उसमें, कोई कोई भी बिल्कुल जी ऑफ कोर्स यू नो कोई इसमें बुराई है ही नहीं, लेकिन इस तरह से ट्रोल करना, क्योंकि लोगों को क्या पता, किसी को नहीं पता होता कि किसकी जिंदगी में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। हर इंसान के जो भी उसकी सिचुएशन है उसकी उसका जो एक रुख नजर आ रहा है वो लोगों को नजर आ रहा है, बाकी के जो जितने उसके रुख हैं वो किसी और को थोड़ी ना बताए, बाकी लोगों को पता है जिनके साथ गुजर रही है। वो पब्लिक फिगर समझ के अपना हक समझ लेते हैं, बस लोगों को परेशान करना, डिप्रेशन का शिकार बना देना, उनको अजियत देना। चलें जी हम टाइम चेक की जाने जाते हैं, टाइम चेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, कॉल्स को शामिल करेंगे। राइट, सो हियर वी गो, आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे। इट्स 10 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय जियाउद्दीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन। सुनिए नी तेरा प्यार, मेरा दिल जावे हर बार, देखा तेनू रब लिख दे, तेनू ही मैं मंगा दिन रात, जावे कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मिल जावे मैनू बस तू, मिल मैनू मेरी जिंदगी, दिल होर कुछ भी ना चाहे, सीने नू अग दूरी लावे, इंज याद तेरी सतावे, मैनू सुतिया आण जगावे, दिल होर कुछ भी ना चाहे, सीने नू अग दूरी लावे, इंज याद तेरी सतावे, मैनू सुतिया आण जगावे, सोनी नी तेरा प्यार, मेरा दिल जावे हर बार, लेखा तेनू रब लिख दे, तेनू ही मैं मंगा दिन रात। राइट ओके, चैलेंज ये गाना मुझे नजर आ गया है, और अगर हम इस गाने को प्ले करते हैं तो कैसा रहेगा। अब वापस आते हैं इस गाने के बाद, फिर करते हैं आपसे मजीद बात में पश्तो गाना है। मैंने कहा चले आज ना पश्तो गाना सुनवाते हैं आपको, और ये पश्तो गाना जो है काफी मशहूर गाना है, और इट्स बीन वेरी लॉन्ग मैंने नहीं प्ले किया है, सो लेट्स सी। ओके, और मुझे ये गाना बिल्कुल नहीं आता भाई, सीधी सी बात है, बिकॉज आई एम नॉट पश्तून, बट ये गाना अच्छा है। तमाम पश्तून बहन भाइयों के लिए मेरी तरफ से ये गाना, जिन जिन को पश्तो समझ में आती है सबके लिए गाना। Okay.
नंबर टू कॉल, मैं नंबर ऑन कर देती हूँ ताकि आप लोग कॉल कर लें और टॉपिक सुनकर आएं। कोई ये अगर ना कहे कि टॉपिक नहीं सुना, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि टॉपिक नहीं सुना, कॉल ड्रॉप कर दूंगी आज मैं। Literally, I am telling you. Because आखिरी गलती आपने क्या की थी और साथ साथ आप बताएंगे आपके पिलो वर्ड्स कौन कौन से हैं और क्या क्या है। लेट्स सी के हु हैव विद अस एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? मेरे मिजाज तो बहुत ही बेहतरीन है। आप ये बताइए कहाँ हैं अनी साहिबा, कैसी हैं आप? मैं आपके आसपास ही होती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही मैं हूँ और वही रब की शुक्र गुजारी है। क्या बात है, ढेर सारी दुआएं। मोहब्बत का पिटारा लेके छुप गई थी आप इतने दिनों से? हाँ बस मैं सुन रही थी और मैं ये गौर कर रही थी, नए नवेले तो कोई नहीं आ रहा है। लोग मौका ही नहीं देते नए नवेले आने को। अरे नहीं नहीं, नए नवेले तो आ रहे हैं, क्या हो गया एनी साहिबा, क्या हो गया? कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ये लोग मौका नहीं देते ना। हाँ वही बात ना, जितना आने चाहिए ना। मैंने कहा मेरे एक कॉल ना करने से बेचारे किसी एक की कॉल लग सकती। सही बात है। क्या टॉपिक ले आई, और बीच में बड़ी तबीयत आपकी सही नहीं रही, लेकिन बीच में आपकी आवाज बिल्कुल असली वापस आ गई थी, वही वाली। हाँ आ गई थी, अभी नहीं आई है, आ गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है। आ गई है, आ गई है। बड़े टोट के पता नहीं क्या कुछ रोजाना कर रहे हैं ताकि गला वापस ठीक। गला तो ठीक है, मतलब ये जो फ्लू वगैरह है वो ठीक हो जाए, बस वो शिफा डालने वाला रब इंशाल्लाह। और आज टॉपिक बताए, टॉपिक ये है, आपने बताना है कि भाई आपके पिलो वर्ड्स कौन कौन से, पहले तो ये बताए। तकिया कलाम आपका, तकिया कलाम, तकिया कलाम। हाँ जी, तो ये कहती हूँ कि भाई अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, ठीक हो गया। देन और एक ये कहती हूँ कि जैसे अल्लाह हाफिज कहना हो ना, तो मैं कहती हूँ कि ओके फिर मिलेंगे मुंह धो के। फिर मिलेंगे मुंह धो के, सही है, ये अच्छा है, अच्छा है, आई लाइक इट। फिर मिलेंगे मुंह तो के, यानी ये पंजाबी में है जी। अच्छा, तो मैं कहती हूँ ओके फिर मिलेंगे मुंह तो के। आप अपना तकिया कलाम बताएं। मेरे तो बहुत सारे, आप लोगों ने तो सुना, यू नो आई नो माय माय, और मैं कहती हूँ ओ रियली, मतलब ये शायद मैंने यहाँ पे ना बोले हूँ, हो सकता है मैंने यहाँ ना बोले, लेकिन होती है रियली डोंट टेल मी प्लीज, ये मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। दूसरा टॉपिक, हाँ दूसरा टॉपिक क्या आपने बताना, आखिरी गलती आपने क्या की थी? मैं तो वैसे कोशिश करती हूँ गलतियां ना करूँ, तो ये गलती की थी कि एतबार करते कि उनके अंदाजा हो कि भरोसा ना करो, भरोसा ना करो किसी, हाँ ना करो, लेकिन करना पड़ता है। अच्छा, क्या करे, वो कहते हैं ना धोखा खा जाए फिर भी, कि भाई नहीं खाना तो दोबारा बंदा धोखा खा जाता है। कहीं ना कहीं तो भरोसा किए बगैर गुजारा नहीं है ना, कि अगला दूसरे पे भरोसा करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, भरोसा तो करना ही पड़ता है। बस ये है ना, कि अगर हम सोचे कि नहीं भरोसा ही नहीं करेंगे, बस कर लेते हैं और वो बस फिर हो जाता है, ये नहीं सही हो सकता मेरा जान तो ख्याल है। सही, ठीक हो गया। तो और हमारे वो आ रहे मसूर अहमद साहब,
हाँ जी बिल्कुल आ गए। हाँ चलो, उनके बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं, उनको कोई गलती नहीं होती उनके मैसेजों में। उनके ऊपर कोई बात ना लगाए भाई, वो जितने मुबारक जगह पे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बात है। और अपना ख्याल रखिएगा। जरूर, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखे, आपको भी खुश रखे। आमीन सुआमीन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके। चैलेंज जी, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अमना, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। कहाँ गायब हो लड़की? बस कहीं नहीं गायब, कॉल तो हम रोज करते रहते हैं कि बस लगती नहीं तो क्या करें। अरे अरे, आजकल आपने कमेंट्स भी करना छोड़ दिया, मैं मिस कर रही हूँ आपके डायलॉग्स, जो आप डायलॉग्स मारती है ना। अरे नहीं, मैं भी बहुत आपको मिस कर रही हूँ, आपको क्या पता। अच्छा, हाय हाउ स्वीट। अच्छा, मुश्क भी आपको पता है इतना मिस करती है। हाँ जी बिल्कुल, मुश्क को मेरी तरफ से आप जरूर विशेस पहुँचाइएगा और पूछिएगा भी। सबको बहुत मिस कर रही थी, कैसी पापा तो मैं बताने में तो आपका मैसेज मैंने दे दिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप दुआ करें कि जरूर दे। जरूर बिल्कुल जी, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, और बस हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। तो क्या कहेंगे भाई? हाँ भाई, तकिया कलाम बताओ ना अपना। मेरा तकिया कलाम यही कि मैं कहाँ जाके अपना सर मारूं, कहाँ जाके अपना सर मारूं। क्यों भाई? हाँ, बहुत तंग कर देते ना, कभी तो बात नहीं समझा रही होती है, किसी को समझ नहीं आती है। अच्छा, कहाँ जाके अपना सर मारूं? भैंस का ये कौन बीन बजाया, अब ये कह दिया करो। मुझे पता है क्या कहती थी, दीवार से ना पास नहीं से मारो। अच्छा ये भी सही है भाई। अरे बहुत बातें करती थी। अच्छा सही है, ठीक है, बहुत याद आती है। और सबको सुनने वाले को सलाम। सेकंड टॉपिक क्या की थी? गलती तो बहुत की है, ये है कि सुधारा है, उनसे सीखा है गलतियों से, और दोबारा वो गलती नहीं की हमने। ये बहुत अच्छी बात है, कुछ मैंने सीखा है, और सीखना चाहिए इंसान को दोबारा गलती नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, कुछ लोग नहीं सुधरते ना। शर्मीन, सबको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, आऊंगी शिफ्टिंग का यहाँ पे मसला। अच्छा अच्छा, चले जबरदस्त हो गया, इंशाल्लाह जरूर। हमारी लाइट आ गई महीने की, आ गई लाइट। अरे हाँ, आप लोग की तो लाइट चली गई थी ना। हाँ महीने के बाद आई है। ओह माय गॉड, मतलब एक महीने के बाद। जी शुक्र है, बता दी। हाँ अच्छा, चले भाई, अल्लाह ताला भाई सब पर करम करे। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अपना ख्याल रखा करें। जरूर, जान बचती है हमारी अपने। लिटरली हाय सच्ची में। अच्छा चलो सही है, सो स्वीट। तो हम है। अच्छा भाई जबरदस्त, क्या बात है। आप लोग ऑफ कोर्स, आप लोग सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ऐसे ही अपना मैं ख्याल रखती हूँ। बिल्कुल नहीं नहीं, मुझे अंदाजा है कि आप लोग मुझे बहुत मिस करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपसे दूर रहना मंजूर है, लेकिन आपको खोना मंजूर नहीं है। लड़की डायलॉग लेके ओके, जाहिर है आपकी मोहब्बत में देखे क्या कुछ नहीं करते। नहीं बस आप लोग ऐसे ही मेरी मोहब्बत अपने दिलों में बसाए रखें, मैं ऐसे ही खुश रहूंगी फिर। सही है ना? बस बहुत सेट थी, लेकिन आपसे बात करके ना सच में बाखुदा। चले चले, बस खुश रहिए, मेरी दुआ यही है दिल से कि आप हमेशा खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। चलिए मुश्क के लिए बहुत सारी दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा। अमना आपकी अम्मी ठीक है? अपनी अम्मी को सलाम कहिएगा मेरा, ठीक है? चले ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जरूर बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो बैक टू बैक हम जरा कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं, उसके बाद लेट्स सी के कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज, अच्छा हाँ जी, आपसे कल बात हुई थी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी, क्या कहेंगे टॉपिक पर? टॉपिक पर तो मैं यही कहूँगा, तो क्या बात यही है जो आप बोलते हैं ना कि जो बात है, जो बात है, मैं बोलता हूँ जो बात है यही बोलता हूँ। अच्छा यही बोलते हैं, चले ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? गलती क्या की थी आखिरी? गलती तो यही, गलती तो मैं नहीं करता, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल वगैरह में कर करके बहुत कुछ सीखी है, और दुनिया ने इतना कुछ सिखा दिया ना। अच्छा, गलतियाँ नहीं करते आप? बहुत कुछ सीखी, कोशिश होती है गलती ना हो अपने जिंदगी। जबरदस्त हो गया,
उनके गलतियाँ बहुत की हैं, ऐसा नहीं है हर इंसान गलती करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, गलती कर कर ही सीख जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और रहनी साहिबा, काफी टाइम के बाद आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, काफी टाइम के बाद इनकी कॉल की थी है। जी जी जी, आई नहीं थी। बिल्कुल जी। अंकल अंकल की कॉल भी बहुत अच्छी आती है, माशाल्लाह अच्छी बातें करते हैं। रमजान मलिक साहब की जबरदस्त हो गया। आबिद अमीर भाई कह रहे थे कल के आप बुटीक में होते हैं, आप लोग घूमने जाते होंगे, तो मतलब कहने का ये हमारी कंपनी है उसमें 2000 वर्कर है, हम लोग मतलब कंपनी वर्कर है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन हमारे अपने जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 55। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगता आपका शो सुनकर, बहुत शुक्रिया। और यकीन मानो आपका शो से ना कितना कुछ सीखने को मिला ना जिंदगी में, गलती नहीं कर पाता इंसान। अरे अरे, आप माशाल्लाह इतने प्यार से समझाती है, इतनी अच्छी बातें समझाती है आप। अरे अरे, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मेरा सदा आती है वो भी, मतलब बहुत अच्छी बातें करती है, वो भी बहुत कुछ सिखाती है हम लोगों को, मतलब आप लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता है, हम लोग गलती नहीं कर पाते, क्यों हमें फौरन आप लोगों की बातें याद आती है, नहीं गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको डर गुजर करना है, मतलब हर तरह की बात आप लोगों की बातें सामने आ जाती है, नहीं अभी शोर सुना तो अभी समझाया रहा है इस बारे में, अभी समझाया रहा है इन्होंने इस बारे में। जी जी जी, घूम फिर के आप लोगों की बातें जो है हमारे दिमाग में रहती है। अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमसे कुछ आप लोग थोड़ा बहुत भी सीख रहे हैं और हम भी आप लोगों से सीखते हैं, ऐसा ही नहीं है। आप लोगों से यकीन माने इतना कुछ सीखने को मिलता है ना कि अपने दोस्तों से अलग अपनी फैमिली में भी बहुत कुछ, मतलब इंसान जैसा होगा ना बच्चों में बहन भाइयों, मतलब हर किसी की अहमियत बताती है आपसे, हर इंसान की क्या अहमियत है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। ये आपका हक है क्योंकि आप हमारे लिए मेहनत करते हैं, सुबह सुबह उठ कर आते हैं, हमारे लिए इतनी एनर्जी का शो करती हैं आप, जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच कॉलिंग, अलाफिज अलाफिज। यार कोई तारीफ करते ना मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, क्या कहूँ लिटरली। ओके, और बस ये आप लोगों की मोहब्बत है और वाकई में ऐसे ही है, ये आप लोगों की मोहब्बत ही है कि मैं छुट्टी नहीं कर पाती हूँ, छुट्टी करने का मेरा दिल नहीं चाहता। सो ये वाला सीन है। मसूद साहब कहते हैं टॉपिक पर मेरा तकिया कलाम तो कुछ और था, मगर सऊदी में आकर ना सऊदियों वाला तकिया कलाम हो गया है कि हम वक्त मुंह से ना वल्लाह निकल जाता है, और एक है कि खल्ली वल्ली खल्ली वल्ली हो गए, सही है, अच्छा है। आपने ना अपनी कॉल की कुर्बानी दी दूसरों के लिए, फरी ऐसे लोग आपको नुकसान नहीं देते कभी, जो बात है कुछ भी नहीं। रिजवान रिजवी कहते बेफिक्र वाला मालिक है, ये इनका तकिया कलाम है। और इसके अलावा आबिद अमीर क्या कहने का टॉपिक पर, आखिरी गलती की दावत में इतना खा लिया था कि फिर ना उठा नहीं जा रहा था, तो क्या 4 दिन का एक साथ ही खा लिया था या पूरे हफ्ते का एक साथ खा लिया था, हद हो गई है, अपना पेट समझ के खाया करें भाई। लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? आमिर संदरोली तड़िशर है। सॉरी आमिर जी, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने? टॉपिक में नहीं सुना। क्यों, टॉपिक क्यों नहीं सुना? शो सुन रहे हैं आप? कौन से शहर से कॉल कर रहे हैं आप? सॉरी, अच्छा ठीक है। तो आप फेसबुक पर सुन रहे हैं शो, अगर रेडियो पे नहीं आ रहा तो? फेसबुक पर सुन रहे हैं शो जी, हम नहीं लगे। सॉरी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। इतना इतना ज्यादा शोर था, शायद हवा की आवाज थी, आई डोंट नो। सुनिए नहीं मेरा हाल, तू ही कितना हाल हो बेहाल। मुन्नी कह रही हूँ रूसा, ओके प्रोफाइल पे ना आपकी आंखें अपनी हैं, ये मुझसे पूछ रहे, उनसे पूछ रहे, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। लेट्स सी के कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप, खैरियत से हैं?
अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। खुशामदीद आपको। बहुत ज्यादा आज से पहले आपने फरमा लिया खुशामदीद। हाँ जी, तो हम भी आपको खुशामदीद कहते हैं और तमाम खूबसूरत समाजी को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। दो शेर की लाइनें हैं जी जी, लेकिन एक लाइन का तलक आपसे है जी। वो अर्ज करूंगा कि फूल के शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। अब बिछड़ जाके बहुत देर से साथ में है, पेट भर जाए तो खाना भी बुरा लगता है। है क्या बात है, पेट भर जाए तो खाना भी बुरा, खाना भी बुरा लगता है। बिल्कुल मौसम सैयद खाना भी सेवा, आपका जो प्रोग्राम है जी, या हमारा सदस्य का प्रोग्राम है जी, अब तो कल से समय भी बहुत याद आने लगी है, बहुत ज्यादा कि हम कहीं बिछड़ न जाए, और ये जो आपसे काल का वादा किया तो वो बीच में रह न जाए जी। तो आपके जो प्रोग्राम होते हैं और ग्रेजुएशन का जो पहला प्रोग्राम आप ही आवाज से शुरू होता है जी, तो 25 साल हम कल रात में सोच रहे थे कि 25 साल से हम रेडियो सुन रहे हैं जी। और रेडियो को जिस तरह सुनने का हक होता है उस तरह कोशिश करते हैं कि इसको सुना जाए। सही। और फिर जो प्रोग्राम होते हैं, हर आर के प्रोग्राम कर रहे होते हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि जो प्रोग्राम हो रहा हो तो उसमें हाजिरी देनी चाहिए जी। तो एक साल कोई 6 महीने या 7 महीने हो गए आपके प्रोग्राम में हाजिर होते हुए जी, और 2 साल के लगभग हमारा सहमत प्रोग्राम में हाजिरी होती है जी जी। तो आज से पहले आप प्रोग्रामों से पहले जो हम प्रोग्राम सुना करते थे तो हमारे पास जो बच्चे आया करते थे हमारे घर के जी, तो उनको हम भगा दिया करते थे। तो भाई हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, भाई आपने ये पास बैठ कर नहीं सुनना, बस अब भाग गए, इनके पास ही बैठने देते थे। तो मेरे ख्याल जिस चीज को आदमी पसंद नहीं कर रहा हो तो बच्चों को हम वो चीज मुंतकिल नहीं करते ना। सही। तो पहली दफा मैंने अपने घर की फैमिली की बच्चियों और बच्चों को आप ही के प्रोग्राम में बैठने के लिए कहा, अरे जज़ाकअल्लाह, आप लोगों ने बैठ कर ये प्रोग्राम सुनने हैं, ठीक है। और उसके फिर दोस्तों को बच्चों को भी कहा, मुतमईन किया, एक बलोच फैमिली का तस्कर भी मैंने जी जी बिल्कुल प्रोग्राम में किया था कि मैंने वहाँ वो इंतजाम एक सिलसिला देखा कि दिल खुश हो गया। तो आप पेट भर गए तो खाना भी बुरा लगता है जी, तो आप मुतवाते 5 प्रोग्राम गालिबन एक हफ्ते में करते हैं जी जी, और 5 ही प्रोग्राम हमारा सदर साहबा प्रोग्राम एक हफ्ते में तरतीब देकर प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। तो सुनने वाले जितने भी हैं तो कभी किसी ने नहीं कहा, बस लोगों की खैर होती है कि आप पूरा हफ्ता प्रोग्राम किया जी जी। हालांकि आगे मुख्तलिफ चैनल पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी का 8 दिन में 1 प्रोग्राम होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोग्राम होते हैं, इससे ज्यादा मैनेजमेंट प्रोग्राम एक आरजे को अलाउ नहीं करते जी। क्योंकि आप लोग 5-5 प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग आपको सुनने के लिए बेताब होते हैं, आपको सुनते हैं जी। तो सुबह का मैंने जितनी अपनी एक कम जर्फ जहन मैं अपने आप को समझता हूँ या कम एम सा आदमी हूँ, तो जितने चैनल मैंने सुने मुख्तलिफ चैनल पे हमें दावत भी दी गई, हम एज ए गेस्ट के तौर पे भी गए जी, और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे भी सराकी चैनल पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन जो मॉर्निंग का रेडियो का प्रोग्राम होता है जी, जिसका प्रोग्राम आगाज से होता है, मौसम सैयद फराना जी सब आपसे बेहतर कोई प्रोग्राम मैंने आज तक। अरे अरे जज़ाकअल्लाह, बहुत बड़ी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये मेरे लिए। जो पहला प्रोग्राम मॉर्निंग का होता है आपसे बेहतर प्रोग्राम, और ये आज से पहले मैंने कहा भी किसी ने, ये भी ध्यान में रखिएगा जी जी, ये आज से पहले मैंने किसी आदमी को ये अल्फाज कह भी नहीं है कि आपसे बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, किसी को नहीं कहा जी। पहली दफा मॉर्निंग शो के लिए मैं आपके दामन में ये अपने जज्बात के फूल पे डाल रहा हूँ, जज़ाकअल्लाह, कि आपसे सुबह का बेहतरीन प्रोग्राम कोई नहीं कर सकता, और आप एक सोए हुए लोगों को जगाने का सबब बनते हैं जी। और आप इतनी मुस्कुराते हैं, खुद हर आदमी को हम हंसता हुआ देखकर ये समझते हैं कि ये घर से खुशहाल है, या इसको आते हुए बड़ी खुशी मिलती है, या इसकी जिंदगी बहुत खुशहाल है, इसकी तनख्वाह ज्यादा है, हरगिज ऐसा नहीं होता जी, हरगिज ऐसा नहीं होता। जो प्रोग्राम हंस कर रहा होता है
हो सकता है कि सुनने वाला जो दुख अपने अंदर महसूस कर रहे हो सकता है वो आगे का दुख उससे भी ज्यादा हो। बिल्कुल। और उसके आपके मालूमाती प्रोग्राम हमारा सदर से बढ़कर मैंने कोई आज तक एफएम पे नहीं सुना। जो बात है बिल्कुल। हमारा सदर से बढ़कर प्रोग्राम बहुत मालूमाती, और मैंने अपने एक थोड़ा सा आप लोगों के इस साल के जैसे इख्तिताम होगा जी, तो आप दोनों को मैं अपनी तरफ से जो ट्रॉफियां पेश करूंगी। अरे अरे जजाकल्ला के बेहतरीन यानी कि प्रोग्राम सुनने पे, और एक ट्रॉफी मोहम्मद सैयद अफखान अली सहवा के लिए पहला प्रोग्राम बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम, इससे पहले कोई हमने नहीं सुना, एक ट्रॉफी आपके लिए होगी, और मालूमाती प्रोग्राम करने के लिए हमारा सदर सहवा के लिए एक ट्रॉफी हमारी तरफ से होगी। बहुत शुक्रिया जजाकल्ला। उनके साथ साथ ये हमारे जज्बात भी होंगे, ये मैं जाती तौर पे चाह रहा था जी जी। आपकी खिदमत का और तो हम कुछ सिला दे नहीं सकते, लेकिन प्रोग्राम पेश करने वाले के लिए दाद की सूरत में जब उसको कोई चीज अटा की जाती है दी जाती है, तो मेरे जहन के मुताबिक जो प्रोग्राम कर रहा होता है या फिर मैदान में एक लड़ रहा होता है जंग होती है या कोई प्रजंतर प्रोग्राम कर रहा होता है, तो उसको कोई चीज उसके बोलने के दिवस में उसकी मेहनत के दिवस में दी जाती है, तो मेरे जहन के मुताबिक इससे बड़ा कोई खराजे पैसे ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही, और ये बहुत बड़ी बात है, और मैं लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, और बस आप लोगों की मोहब्बत है ये कि जो हमें हौसला भी देती है, हमें हिम्मत भी देती है कि हम मजीद बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करें और मजीद अपने आप को निखारें। अल्लाह ताला आप लोगों के दिल में बरकत अता करे। आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों का हजाब सलामत रखे। आमीन। आप वालदैन का सरमाया है, ऐसे ही सरमाया रहे। हमारी दुआएं हम साथ हो ना हो, हमारी काल साथ हो ना हो, लेकिन हमारी दुआएं हर वक्त आपको साथ रहती है। और दूसरी बात आखिर में मैं बात कर सकती हूँ, आपसे जो अभी बात करते हुए मेरे जज्बात हैं, आपसे एक खलूस का रिश्ता है, यकीन कीजिए कि आपके बाद भी जब किसी से बात होती है जी, तो मेरे जज्बात, मेरा एहतराम, मेरे एहसास इससे कम नहीं होते बल्कि इससे ज्यादा होते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जजाकल्ला रमजान मलिक साहब, और आपकी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए, आपके खूबसूरत अल्फाज जो हमेशा आप हमारे लिए चुनते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत जजाकल्ला इज़्ज़त अफजाई के लिए, इतने एहतराम, इतने खुलूस के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, मेरी दिली दुआ है आपके लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, इमोशनल कर दिया मुझे। ओके मैं वाकई में बड़ी इमोशनल हो गई हूँ इतनी सारी बातें जो है रमजान मलिक साहब की सुन के, और इसके अलावा ओके अच्छा जी, बस आप बस ये जो अल्फाज होते हैं ना, जो पुरखलूस अल्फाज होते हैं, मोहब्बतें होती हैं, आप लोग की एहतराम होता है, अगर आप लोगों हमारे मतलब हमारे शोज अगर आप अपनी फैमिली में बैठ कर सुन सकते हैं ना, तो ये सब कुछ है हमारे लिए। मतलब कुछ हम ऐसा कर रहे हैं लिटरली, मतलब मैं क्या कहूँ, लिटरली आई एम स्पीचलेस, मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या कहूँ इसके आगे, आई कैन नॉट से एनीथिंग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रहमा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। ये जो मोबाइल है ना, ये नंबर पहचानना ही भूल जाते हैं अगर एक दिन कॉल ना करो। चलो खैर है, कोई नहीं, और बताओ कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो? ठीक है, बताया कि तुम्हें ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफी बेहतर हूँ, मैं काफी ज्यादा बेहतर हूँ माशाल्लाह। क्या कहेंगी? क्या गलती है? मेरा तो क्या कलाम है वो है। अच्छा, तकिया कलाम बता रही हो, अच्छा बस कर दो। अच्छा, और जो आखिरी गलती है वो मैंने की थी, स्कूल वालों के साथ पिकनिक पे गई थी बगैर बताए घर वालों, बगैर बताए चली गई थी, फिर उसके बाद मतलब घर वालों को पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, 4 बजे आती थी ना घर में। अच्छा, तो उसी टाइम पर वापस आ गई जी। वाह लड़की, मतलब ये क्या किया तुमने। हेलो, खैर टीचर्स वगैरह जबरदस्ती रह गए थे। अच्छा अच्छा, थे हमारे पास इतने, हम लोगों ने जाकर खुद ही जमा करवा दी। अच्छा सही है, चलो अब घर वालों को पता तो नहीं चला बाद में, लेकिन अच्छा सही है, अब जाहिर है बाद में क्या बताओगे, बाद में बताओगे तो फिर आइंदा ट्रस्ट भी नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। नहीं
लेकिन मैंने दोबारा ऐसी कभी गलती भी नहीं की। बहुत अच्छी बात है, दोबारा बिल्कुल ऐसे ही है, बगैर बताए घर वालों को कहीं नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, वो तो टीचर्स के कहने पे, टीचर्स भी एक माँ बाप की जगह पे होते हैं। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही है, तो बस उनके साथ चले गए, इनका सपोर्ट था। सही हो गया। और सवाल ये जो बोल रहे थे कि लड़कियों के पास बैलेंस नहीं होता इसलिए वो कॉल नहीं करती, ये हम स्पेशल वर्जन देते हैं। नहीं, असल में फराज अपनी हालत बता रहा होता है, लड़कियों पे रख रख के बात सारी है, पता है। हाँ मुझे पता है, बस ये बात है, ये लोग लड़के जितनी बातें करते हैं ना, यहाँ पे कमेंट्स करते हैं ना, ये सारी अपने अपनी बता रहे, तो अपनी जात के बारे में बता रहे होते ही है ना, लड़कियों को ले देते हैं, हम समझ जाते हैं बस। हाँ बस ऐसे ही, और सही है ना, और क्या, और बताओ रहमा, और क्या दादी सही है। अच्छा और कुछ कहोगी? मैंने आज कहना था कि एनी जांच साहब कितने दिन हो गए नहीं आई। हाँ देखिए वो कॉल पे आज आ गई, देखो तुमने याद किया, डेली बातें मिल गई तुम्हारी एनी साहब से। मैं तो डेली याद कर रही थी और कॉल ही नहीं मिलती थी, वरना मैं बोलती। अच्छा आप ना, आपकी और उनकी टेलीपैथी मिल गई, पता है असल में आप लोगों की लहरें मिलती हैं जहनों की, मुझे लगता है तभी फौरन आ गई वो कॉल पे। अब वो आएंगे बताएंगे मंडे को, लेकिन मैंने उनको याद किया था सच्ची में। चलो जबरदस्त हो गया, आप भी कहीं वो कॉल पे बात भी हो गई है ना। चलो सही है रहमा, जरूर बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, ओके। चले जी गाना प्ले करते हैं साथ साथ, दैट इज व्हाट, अरे मेरा दिल चाहता नहीं जब गाना गाने का, तो मैंने ये वाला गाना प्ले कर देती हूँ। सो दिस इज शायर, एंड ऑफ कोर्स शायर मेरा दिल चाहता है गाना गाने का, तो मैं इसको प्ले कर देती हूँ। सुन सजना वे दिल दी आवाज़ा, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ा, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, तेरा थी गिणदा रहंदा तारे, असी तारे गिणन देनी हुण माहिर हो गईया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गईया, असी तारे गिणन देनी हुण माहिर हो गईया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गईया। ओके चले जी कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, और ये कौन है, किसके कमेंट है जो हाइड हो रहे हैं। अब्दुल रहमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहन, कैसी हो, आपका शो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे और पता नहीं क्या लिखा था, आई डोंट नो। और फराज कह रहे हैं कि माशाल्लाह आमीन, तुम्हारी कहते हैं फरहाना काला ना टीका लगा लो। नहीं मुझे काला टीका लगाने की जरूरत नहीं, मैं तो काले कपड़े इतने पहनती हूँ, मुझे क्या नजर लगेगी। मुकेश कुमार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी कॉल अगर शामिल करते हैं, लेची के कौन है व्हाट्सएप लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अजीज अंकल, अरे अजीज अंकल कैसे हो, ठीक है? अरे मेरी ऐसे जलजले वाली बेटियों की दुआएं हो वाली बेटियों को क्या होगा। तौबा अंकल, हद कर दी आपने, जलजल कौन सा जलजल आ गया मेरी वजह से, बताया ना। और आप कैसी हो मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए अंकल आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? दो शख्स मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं बहुत बीमार हूँ, तो क्या हो गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो अगर अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अदा फरमाए। लेकिन उस शख्स ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं वो रोज रात को पूरा एक कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन बीमारी की वजह से मुझसे कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप मुझे कोई ऐसी सूरत बताएं जो मैं ये पढ़ूं और पूरे कुरान का मुझे अल्लाह पाक सवाब फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सूरह यासीन पढ़ो, ठीक है? तो फिर दूसरे शख्स ने फरमाया या रसूलल्लाह क्या मैं अल्लाह ताला से बातें कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हरगिज़ कर सकती हूँ। तो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सूरह यासीन पढ़ो। तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह दोनों को सूरह यासीन का कह रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, जिन्होंने एक दफा पढ़ा उसको एक अजीज शरीफ में कि एक कुरान दूसरे अजीज शरीफ में है कि 10 कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला चाहे बेसब इन्हें कुरानों का सवाब अदा फरमा दे।
और आप सहाबा अकरम ने पूछा या रसूल अल्लाह कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से बातें करने में भी सूरह यासीन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन का एक एक लफ्ज जो है वो अल्लाह ताला से बातें करने का है। आप दिल की आप अपने दिल में नेक जायज तमन्नाएं लेके बैठे और सूरह यासीन पढ़े और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला देंगे। आप अल्लाह से खुद बातें करते हो, अल्लाह ताला आपसे भी बातें करेंगे। तो मैं सबसे दरखास्त करता हूँ 98.2 के मेरे फैमिली मेम्बरों के, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी भाभियाँ, मेरे भाई, सबसे दरखास्त है जुम्मा मुबारक का दिन में जुम्मे की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत जरूर फरमाएं और फिर दुआ फरमाएं कि मालिक और मौला ये हज का महीना है, हज के महीने के सदके में मेरी बेहिसाब बख्शिश और मफरत फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे, मेरी बीमारियां दूर फरमा दे, मौला मेरी हर मुश्किलें आसान कर दे। फिर देखें आप, फिर इंशाअल्लाह ताला अब्दुल अजीज को और अजीज मेमन को भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखेगा, जरूर 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 जरूर। और जरूर। मेरा बेटा बस अंकल हज का महीना जी, हाँ नहीं नहीं कहे ना, मैंने कहा कुछ पूछ रहे हैं, ये कह रहा हूँ हज का महीना है, हर जबान पे सुबह शाम एक ही लफ्ज़ फरमाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वद्दियमत लक मुल्क ला शरीक लक, ये हर वक्त पढ़ा करें। अगला महीना अंकल हज का महीना अगला है, हज के महीने के सदके में, इस हज वाले महीने के सदके में मेरा रब हमारा भी नाम लिख देगा और आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला सबको हज की तौफीक अदा फरमाए, सबको उमरे की शहादत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें मदीने की खैरात से माला माल फरमाए, खाना काबा का सदका हमें अदा फरमाए। मौला करीम ये हज के महीने के सदके में हमारे तमाम कर्जे अदा कर दे, हमें मौलाए करीम ऐसा बंदा बना दे, हम देने वाले बन जाए, हम लेने वाले ना बने, तेरी मोहब्बत में हमें पागल फरमा दे, मौलाए करीम तेरी मोहब्बत हमें अदा फरमा दे, प्यारे मुस्तफा का नूर अदा फरमा दे। और मेरा बेटा अल्लाह ताला सबकी बख्शिश मफरत बनाए, तमाम बीमारियां दूर हो जाए, मौलाए करीम सब लोग खुशहाल हो जाए, सब खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुश हो जाए, मौला तू भी राजी हो जा, हमसे हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। और मेरा बेटा चले जबरदस्त हो गया अंकल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल ऐसे ही है, और सबको सबके लिए दुआएं करनी चाहिए। मेरी बेटी आप जो ये शो कर रही हो ना, खुदा की कसम आप समझो हमारा सेवन आप का ढकना खोल देते हो, हमारे को ना करे अंकल ना करे। अच्छा ये मेरी गरम गरम चाय और गरम हो गई है, पड़े पड़े और गरम हो गई, वाह वाह अंकल आपको तो दोबारा गरम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहिए ना गरम हो जाती है, आप तो ऐसा शो करती हो, इतना करंट देती हो हमें 240 वोल्ट का 200 नहीं 400। चले सही है अंकल, वालेकुम अस्सलाम, कितनी प्यारी बेटियां हैं, हां जी आशा मुबशर, अपना क्या नाम है, मरियम, राबिया, अगड़म अगड़म सगड़म, अंकल की बातें सुने जरा, अगड़म सगड़म तो बा अंकल हद है, कॉल भी ड्रॉप हो गई खुद ही, ओ माय गॉड यार, यार अब्दुल अजीज अंकल भी सारी बातें अच्छी अच्छी बातें सारी करी उन्होंने, उसके बाद अगड़म सगड़म अंकल की बातें देखे, ओ माय गॉड, मतलब कह रहे कि लाख पर्दे में रहे भेद सभी खोलता है, वो हर महफिल में आके झूठ बहुत बोलता है, बनारस का पान और पता नहीं क्या लिखा था कि अकल का ताला खोलता है। अच्छा ठीक है, और मोहम्मद ईरान जखरानी वालेकुम अस्सलाम, फराज कह रहे हैं कि आपकी बात ही अलग है, फरहाना कोई बात है आप में, रिसर्च कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी करते रहो रिसर्च मेरे ऊपर, कहीं नहीं मिलेगी मेरे ऊपर रिसर्च तुम्हें। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि उफ्रेमा ऐसी बात नहीं, बहुत अमीर है हम, अच्छा चलो अच्छी बात है। चले जी कॉल को शाम करते, ले ठीक है, कौन है हमारे साथ लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गई रुबीना जी, आ गया, ये क्या ये जो ना सबसे पहले ये आवाज की सीढ़ी, ऐसा लगा आपने नीचे खड़ा ड्रम रखा है कोई, धड़ाम करके आवाज आई है, पानी के बाल्टी उठा के लेकर आई थी। अच्छा बस अच्छा, और बताइए कैसी आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से हूँ, बस हाथ में दर्द हो रहा है, पानी की इतनी प्रॉब्लम हो गई है ना। अच्छा पानी नहीं आ रहा, 15-15 दिन में पानी लेते हैं, और देते हैं कि पूरा औरंगी का फिर होता, औरंगी टाउन में तो पानी नहीं आता मेरे ख्याल से, वैसे ही मैंने सुना नहीं, नहीं पानी बहुत आता है। अच्छा 15 दिन में आता है,
15 दिन में आता है? अच्छा हाँ, इतना आता है कि सारे रोड नाले गलियां सब फुल जल्दी होती है, सब भर जाता है। ओह माय गॉड, ये नहीं कि 8 दिन में दे दें, एक हफ्ते में दे दें तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सही बात है। नहीं अभी बात करते हैं उनसे, कहते हैं अभी जल्दी जल्दी दे दिया करें मानी, सही है? हाँ ना, बोले ना। अच्छा और बताइए, और क्या कहेंगी? और क्या कहूंगी, बताया था टॉपिक पे यार, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। क्या मैं दिमाग खराब? अच्छा दिमाग खराब नहीं करो, आपका तकिया कलाम है, दिमाग खराब नहीं करो मेरा, सबको यही कहती है ये, मुश्क दिमाग खराब नहीं करो मेरा, बस तुम बहुत रोती हो। मुश्क बात करेंगे भाई आपसे? हाँ भाई मुश्क बात करवाए भाई, आप ही बात करो। आप ही जी मुश्क बोलो, कैसी है? ठीक पूछो, ठीक हो? अभी बच्ची को इतना बोलना नहीं आता, और अम्मा पूछो कैसी हो? ठीक बहुत बोलती है। अच्छा सारा दिन कान खा लेती है? हाँ वो तो जाहिर है, वो वैसे बोलती होगी ना कि आप ही समझ सकती है बस। चूचू चाचा, ओके। अच्छा जी, हाँ जी, दूसरा टॉपिक बताइए कि आपने आखिरी गलती क्या की थी, आप ना भी बताए तो हमें बताइए। वैसे आखिरी गलती का तो पता ही है यार तुम्हें। हाँ बस आपने बता दिया था हमें, उसके बाद फिर आपके हमने क्लास भी लगा दी थी। नहीं उसके बाद कोई नहीं है भाई, उसके बाद कोई नहीं है, सही है। सही बात है बिल्कुल। चले और इसके अलावा कुछ कहेंगे रूबीना? और इसके अलावा क्या कहूंगी, यही कहूंगी कि माशाल्लाह सब लिस्ट में बहुत अच्छी कॉल आ रही है। जी जी बिल्कुल, अंकल की जबरदस्त कॉल जी। और मम्मा दे दो, अब दे दो, मोबाइल मांग रही। मुश्की पसंद का कौन सा सॉन्ग? सही है, वो लगा दो ना, सही है। एक साल बाद जब आप बताएगी ना मुश्की पसंद का सॉन्ग, हाँ बाबा ब्लैकशिप लगाती हूँ, अभी लगाती हूँ बाबा ब्लैकशिप। चले अपना ख्याल रखिएगा, सही है रुबीना? जरूर, बहुत शुक्रिया, मुझे भी हमेशा बहुत अच्छा लगता है। लाफेज ओके। चिट्टा चिट्टाए उसने तिराए वांग बहारा वाल तेरे ने तिले दिया तारा नैन तेरे ने दो तलवारा असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गया तेरे। चलें जी एक लास्ट कॉल में भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे फिर आ गए तुम। क्या हाल है शहजादे, कैसे हो? ठीक हो, खैरियत से हो? हम से इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली। अरे नहीं, आप लोग जान ना छोड़े मेरी, मैं तो नहीं कहती कि आप लोग मेरी जान छोड़ दें। हाँ वो आपकी बात, जिस दिन सांस नहीं होगा तो फिर अरे अरे अलग सी बात है। हाँ चलो भाई, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। आपकी उम्र क्या है? 20 साल के तो हैं अभी आप? अभी तो हम लोग बच्चे हैं। बच्चे हैं, हाँ सही बात है। हाँ और बताओ टॉपिक पे, मेरा तकिया कलाम आजकल तो जानी बना हुआ है। अच्छा क्यों भाई? हर किसी को जानी, हर किसी को है भाई, कूल बनने की कोशिश कर रहे हो? पता नहीं क्यों, बस जानी और जानी। अच्छा सही है, जानी और आगे तुम दुश्मन नहीं लगाते? जानी दुश्मन है? दुश्मन हम पालते नहीं है। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, सबसे भाई शरीफ बच्चे हम। हाँ, सही है बच्चे। और बताइए, और इसके अलावा दूसरा क्या आखिरी गलती किया आपने? आखिरी गलती तो खैर ऐसी कोई गलती की नहीं है जो याद हो। हाँ अच्छा, हाँ, गलती करके भूल जाते हैं तो बता नहीं सकते। सही है, ठीक है, जाने दो उसको। हाँ, नहीं ऐसी कोई गलती नहीं खैर, लेकिन अच्छा वालिद साहब को बोल दिया था कुछ तो। अच्छा उसका पछतावा है फिर, माफिया। हाँ बस जाके माफी मांग लो बस, अल्हम्दुलिल्लाह मांग ली थी, बस एहसास हुआ था क्योंकि इस चीज से पीछे नहीं हटते। बहुत अच्छी बात है, जो पता लग जाएगा। हाँ भाई गलत है एक चीज तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा कुछ कहेंगे? नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं आप कह दें, कुछ कहना चाह रहे हैं तो। आप बराए मेहरबानी इस सॉन्ग को जो है ना हमसे दूर रखें। अच्छा वो आपसे दूर ही है वो, मतलब उस गाने के बारे में जब हम, अच्छा पबजी के बारे में अभी कुछ नहीं कहना है? पबजी देखे मैं आजकल तो वो भी छोड़ दी। अच्छा, अभी जो बोलना है बोलती रहा। अच्छा सही है, तो फिर क्या हो? हमने थोड़ी ना कहा था पबजी, हमने थोड़ी ना कहा था भाई,
अब भाई देख, आपने उस दिन कहा सॉन्ग, उस पबजी के भी 3-4 सॉन्ग निकल आए, लेकिन अच्छा। मैंने तो कभी फरमाइश नहीं की पबजी के सॉन्ग। हाँ, मैंने सुना है कि पबजी के भी बड़े सॉन्ग है। हाँ, तो वो तो अब ऐसे सॉन्ग सुनते नहीं है ना, जाहिर सी बात है। वो पबजी के सॉन्ग कौन सुनेगा, नहीं अच्छे हैं, क्यों नहीं सुनेगा? अच्छा। सुनने वाले सुनते हैं भाई, वो जाहिर है उनका शौक है पबजी। अब जिसको पबजी नहीं पसंद तो वो क्या सुने उसमें, मतलब सॉन्ग इतना मजे का नहीं है, जो अंदर जो ग्राफिक्स वगैरह बताई हुई है और जो बताया हुआ है ना, मतलब देखने वाली चीजें। हाँ, सिर्फ देखने वाली चीज। अच्छा, फायदे क्या चलाने का, सही है, ठीक है। हाँ, और इस सॉन्ग से तो जान छोड़े, खैर है वो जो फराज भाई को बुरा लगता है वो खैर है, वो वाला चला लिया करे, वो अच्छा है। लेकिन इससे जान छोड़ा हमारी। अच्छा, चलो सही है, चलो ठीक है, चलो सही हो गया, डन हो गया, सही है। अपने ख्याल रखिएगा, चलो बांटने फिर। हाँ, रेवड़ियाँ बांटो, टॉफियाँ नहीं बांटना, रेवड़ियाँ महंगी है, बताशे बांटो, रेवड़ियाँ बांटो, बताशे बांटो, सही है, किशमिश बांटो, चने बांटो, कुछ भी बांटो, फिर ज्यादा खाई नहीं जाती। हाँ सही, इसलिए तो वही बांटो, सही है, चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शामिल कर ही लेती हूँ, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहान सर, क्या हाल? मेरे हाल बहुत अच्छे, आप बताइए कैसे हैं? इमरान मेरे भाई ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? जी 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 जी, जी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही मेरे भाई। हाँ जी, बेहतर है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह रमजान में 3 साल बहुत जबरदस्त थी। जी जी, तो बहुत सी बातें उन्होंने की और वाकई हकीकत बातें और है भी बिल्कुल सच है। ठीक है, तो हमारी भी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन, जज़ाकअल्लाह, कामयाबी अता करे और अपने मान में रखे। आमीन, सुम आमीन। तो बाकी अजीज अंकल भी आए थे काल, तो बहुत अच्छा लगा, और खास भाई ने तो पेट में दर्द कर दिया खास। बाकी ये बात सही बोली है फराज भाई ने ना, क्या जो अपना फराज भाई को गाना अच्छा लगे ना बार बार वो तो बार बार ले कर रहे हैं, सही है, रफ्तार रफ्तार की बात कर रहे थे, रफ्तार रफ्तार में उनको बहुत अच्छा लगता है ना, वो भी प्ले कर दिया। हाँ, वही वाला सॉन्ग तो क्यों, वही जरूर प्ले करेंगे, सही है। तो बाकी टॉपिक पे मेरा दो जो अनपाज है ना, अक्सर बोला करता हूँ, एक वो है मस्त माहौल तो नशे चोल। अच्छा, ये तो पंजाबी गाना। हाँ, और काम अगर सही हो जाता है ना, फिर मैं यही बोलता हूँ मस्त माहौल तो मीठे चोल। अच्छा, मस्त माहौल तो मीठे चोल। दूसरा जो है, हाँ दूसरा जो बोलता हूँ, ये बोलता हूँ तो तेरी। अच्छा, ओके, ठीक है, सही हो गया। और बाकी गलती जो की जो आपको मैंने बता दी। जी जी जी, बिल्कुल, वो तो आपने बता दी थी। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? यही कहना चाहूंगा तमाम सुनने वालों को, मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक, मेरी तरफ से अपना। वालेकुम अस्सलाम, जरूर, बहुत सही दुआएं आपके लिए, अपने ख्याल रखिएगा, आप भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखे। लाफेज लाफेज, ओके। एक तू ही ना जाने ख्वाहिशों की दुहाई, धड़कनों में समाए, दिल तुझी को पहचाने माहिया। खुशबू तेरे जहां, ढूंढो तुझे वहां, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया, मैं तेरे नाल। चले जी, लास्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है।
जी फाइनली शुक्र है मिल गई है कॉल, मिल गई आपकी बड़े दिनों बाद। मैं पिछले 2 साल से कॉल कर रहा हूँ, कॉल मिल जाती है पर कभी कभी। अच्छा हाँ, और बताइए लाहौर का मौसम कैसा है भाई, क्या चल रहा है लाहौर में? लाहौर में तो शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी। अच्छा, आज कुछ तो है ना वो हल्की सी मतलब हवा है और बादल बादल से हैं। बारिश वारिश नहीं हो रही लाहौर में? नहीं बारिश नहीं हो रही है। अच्छा, लेकिन इतनी शदीद गर्मी पड़ी है पिछले दिनों में कि बस कुछ ना पूछे। अच्छा, बहुत बुरा हाल था। सही, मतलब तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है ना वो इस दफा मतलब जो है ना वो बढ़ी है वाकई में। इस बार तो मेरे ख्याल से हर जगह ही ऐसा चल रहा है ये गर्मी वाला सीन। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या कहेंगे टॉपिक? पहला तकिया कलाम बताए, तकिया कलाम कौन से हैं आपके, दो तीन जितने भी हैं? तकिया कलाम आजकल तो जो है वो बस ये बस कर यार छोड़ दे। अच्छा, ये लाहौरियों को तो ये तो आम जुमला है, हर लाहौरी बोलता है वो बस कर यार। नहीं पता क्या, हर कोई जो है ना वो बस वो बात फिर सियासत की आ जाती है कि हर कोई जो है वो उसको लेके पड़ा है कि अच्छा। उसने ऐसे ही कर दिया तो उसने तो बस आगे से जो है ना वो अल्फाज ज्यादा यही बने हो बस कर यार, बस कर यार तो छोड़ दो। और दूसरा, और कौन सी आखिरी गलती की है आपने, वो वाली उसके अलावा, वो पार्क वाली गलती के अलावा? नहीं अभी ये पिछले वीक मैंने की है बस, वो मैं नहीं होने का बता सकता हूँ, वो गलती भी ऐसी थी। अच्छा चले फिर जाने दे, बस अल्लाह ताला मुझे माफ करे। चले भाई, अल्लाह ताला माफ करेगा आपको इंशाल्लाह। हाँ जी, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मोहसिन? और इसके अलावा पिछले दिनों आपने टॉपिक रखा था थाईलैंड का, हाँ तो वो मेरे कस्टमर जो है ना वो मैं मतलब जिसको पकड़ लूँ ना, लेडीज ज्यादा आती है, कॉस्मेटिक से काम है लेडीज आती हैं, तो बस जिसको पकड़ लूँ ना तो वो ना पूरा करके छोड़ता हूँ उनको जो है ना किसी ना किसी तरीके। अगर अच्छा मतलब कोई आपने कॉस्मेटिक बेचना हो तो मतलब आप बेच कर ही छोड़ते हैं? हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर आयशा का जो है ना वो सही, आप पक्के हो गए कॉस्मेटिक बेच बेच के ना। डॉक्टर आयशा गुजरती थी ना अक्सर, हाँ। तो कस्टमर खड़ी होने ना तो मैं मतलब उनसे लगा होता था अपने ध्यान, तो उन्होंने मुझे ना हल्का सा कहा कि गुजर जाना उतारो उतारो बोतल में उतारो तुम। अच्छा, सही खूब बोतल में उतारते हैं। सही है, ठीक हो गया, सही हो गया। चले जी, आपने क्या डॉक्टर आयशा को याद दिला दिया, चले अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे। हाँ जी, ZU के प्लेटफॉर्म से ना एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा हमें वो लड़की ढूंढ दें। कौन सी? जो कहती थी कि गड्डी तो मंगा दे तेरे। भाई वो लड़की अब कभी नहीं मिलनी आपको, वो तो जिसने कहा था वो ही भाग जाएगी, बोलेगी नहीं भाई पेट्रोल इतना महंगा है भाई, पेट्रोल भी खुद ही पवाओ। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए मोहसिन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी आप कॉल्स को शामिल करेंगे भाई, टाइम हो चुका है, इजाजत लेने का टाइम हो रहा है, बस मैं कमेंट्स को शामिल करूंगी, फिर आपसे लेंगे इजाजत, करेंगे टाटा बाय बाय। अच्छा जी, मसूद साहब कह रहे हैं कि एक लफ्ज आज मर्ज़े वजूद में आया है कि जलजले वाली आरजे और 7 अप का ढक्कन खोले। यार पता नहीं क्या क्या बोलते है भाई। अच्छा जी, फराज कह रहे हैं ही क्या हो गया फराज? नहीं नहीं, असल में मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, काश्तवारी वाली कह रहे हैं आपके डॉक्टर जवाब है कि हमारी आखिरी गलती है कि आपके शो जब से सुनना शुरू किया ना तब से अब तक अगर जिस दिन नई शो सुनते ना दिन में कुछ कमी सी लगती है और यही गलती है कि कब कोई हल बताए क्या करें। अब कुछ नहीं हो सकता आपका, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, जो मेरे शो में आ गया ना एक बार लिटरली बस आप कुछ नहीं हो सकता आपका, अब तो आपको शो सुनना ही पड़ेगा वरना बहुत गुना मिलेगा। काशान कह रहे हैं कि अब देखो बरहाना आपकी लाइट में ना दिन में 9 बार बंद करवाता हूँ, जाओ बेटा चैलेंज है तुम्हें करवा के दिखाओ मेरे घर की लाइट बंद। डरती वरती तो मैं किसी से नहीं बेटा। मिराज एम कहते हैं फराज भाई नाराज ना हो आप, और कहते हैं लोग जलते हैं आपसे। फराज कह रहे हैं अरे राना इमरान भाई आप ही ना बदला ले रहे हैं, किस बात का बदला ले रहे हैं? और मुबील बट नबील हो गए, मुबील है, मुबील नाम है।
क्या मुबीन है, कह रहे नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अच्छा जी मतलब कह रहे हैं कि अभी गलती जो मैंने की है आपके शो के चक्कर में ना, अपनी बिल्लियों को खाना नहीं दिया अभी तक। ओ माय गॉड, ना करे मसूद साहब, बिल्लियों को तो खाना दे दें कम से कम, उनको खाना दे दें। पर आज कह रहे हैं अच्छा आपको कैसे बता, किस बात का। काशान बेचारे कह रहे हैं कि बंदा ना आधा पागल होता है कॉल मिला मिला के। बेटा इतनी जल्दी कॉल नहीं लगेगी, अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अभी तो एक महीना लगाए आप कॉल मिलाने के लिए मेरे शो में। इंशाल्लाह आपकी कॉल लग जाएगी। परेशानी हो, बहुत सारे लोग नंबर डायल कर रहे होते हैं, आपने बस सबर के साथ नंबर डायल करना है, सबर का दामन थाम के रखना है, कॉल मिल जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। सही है, तो इतना हाइपर ना हो। मुकेश कुमार कहते हैं जुमा मुबारक, अभी जुमा मुबारक, हाफिज कहना मेरी कॉल के बाद ना लास्ट कॉल कर लेना, अभी अब टाइम नहीं बचा, वरना मैंने इतनी सारी लास्ट कॉल के चक्कर में कहकर मैंने तीन कॉल्स ले ली। अली रजा कहते हैं कि राणा साहब कमाल किता है, मतलब कह रहे मैम सऊदी में भी ना ये तकिया कलाम बन गया है कि हम कोई गुलाम है कि तुम कहो कि हम करें। अच्छा इंजमाम, हम इंजमाम कह रहे हैं कि आप भी कॉल मिला मिला के थक गए हैं, क्या करें, मंडे को ट्राई करें। सैयद राजा शकर, आज बहुत एंजॉय किया, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे आदत से मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। चले जी बहुत शुक्रिया। पर आज कह रहे अरे हाँ तेल वाली लड़की मुझे भी चाहिए, कहाँ है, आ जाओ बेटा। तेल वाली लड़की, अच्छा वो जो तेल, अच्छा हाँ गड्डी तू मंगा दे, ओके ठीक है। नंदलाल जयपाल कहते हैं, नंदलाल कहते हैं वेरी वेरी शो व्हाट। काशान कह रहे मेरे नंबर के साथ है ना कुछ लिखा था क्या, जो डर लगा, किसको डर लगा भाई। जब तुझे चांद देखे जमीन पर, आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे, जब तुझे। चलें जी, आप तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, जिन लोगों के कमेंट्स नहीं बढ़ पाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कितने सारे कमेंट्स हैं। काशान कह रहे मैंने ऑफलाइन बात करनी थी, ये एक इशू है, सॉरी मैं लड़कों से ऑफलाइन बात नहीं करती, ऑफ एयर बात नहीं करती। अच्छा जी इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम मंडे को, जब तक अपना और अपने प्यारों को रखेगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल। तो अगर तो मेरी कोई भी बात आप लोगों को गिरा गुजरी हो, मैं दिल से माजरा चाहती हूँ, कभी कोई ऐसा मकसद होता ही नहीं है शो में आके किसी की दिल आजारी की जाए, हमेशा कोशिश हम करते हैं कि आप लोगों को खुश रखा जाए, दो घंटे में आप लोगों की टेंशन रिलीज हो जाए। इतनी इतनी परेशानियां हैं, महंगाई है, टेंशन है, डिप्रेशन है, लोग परेशान है, तो हमारी बस इतनी सी छोटी सी एक काविश होती है पूरे हफ्ते पांच दिन दो घंटे के लिए कि हम आपको जो है वो मुस्कुराहट दे सकें, खुशी दे सकें, बाकी कोई मकसद नहीं होता। तो हमेशा खुश रहें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, हाँ लेकिन जा रहे हैं अपने खर्चे पे खुश रहें, सीधी सी बात है भाई। सो इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को मेरे संग। So, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा और मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। फरहाना इस बार साइनिंग ऑफ, तू मेरे मिस मी, हाँ बसंती फी अमानुल्लाह।